देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार। तो हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और आज सियासत में एक बाजीगर बनकर एक चेहरा उभरा है जिस चेहरे की हर तरफ चर्चा है। उस चर्चा पर थोड़ा सा कार्यक्रम के रूप में 20 से 22 मिनट का खर्चा है जिसको हम लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने आज का ये खास शो। आज दर्शकों हम बात करेंगे पुष्कर सिंह धामी की, जिनके नाम पर मुहर लग चुकी है और बहुत जल्द वो उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ लेते हुए भी नजर आएंगे। तो धामी के सर ताज सजेगा, ये बात फाइनलाइज हो गई है, क्लियर हो गई है, लेकिन इसको लेकर जो बातें हैं वो भी अब जारी हैं और इस पर भी चर्चा एक तरफ हो रही है। आपको बता दें कि इसी माह जो नतीजे आए वो दरअसल 5 राज्यों के आए। गोवा के नतीजे आए, मणिपुर के नतीजे आए, उत्तराखंड के आए, उत्तर प्रदेश के आए और पंजाब के आए। हर जगह की अपनी अपनी कहानी है, हर जगह की अपनी अपनी जीत है, हर जगह के अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन आज क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के सर पर जीत का सहरा सजा है, ये जीत जो कि उनकी हुई भी नहीं लेकिन उनकी बड़ी जीत भी साबित हुई। ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल इसलिए कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी भले ही हार गए हों लेकिन उनकी पार्टी जीती है और अच्छे खासे अंतर से और अच्छे भले वोटों के साथ जीती है। तो ऐसे में जीत का जो सहरा है वो पुष्कर सिंह धामी के ऊपर सजा है। आज से 1 से 1.5 साल पहले की अगर मैं बात करूं, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तब ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के खिलाफ भी एक नैरेटिव रंग ले रहा है, रूप ले रहा है, लेकिन उसके बाद पार्टी आलाकमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को पदमुक्त किया, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया और उनकी जगह पर तीरथ सिंह रावत को लेकर आए। तीरथ सिंह रावत कई दिनों तक रहे, चर्चा में भी रहे, लेकिन उनके बयानात कुछ ज्यादा ही चर्चा लेकर आए, लिमिट क्रॉस हुई, जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी एक यंग सीएम, एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर विराजमान हुए। 6 से 7 महीने का वक्त और इस वक्त के बीच उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया कि उनकी पार्टी को एक बड़ी बढ़त हासिल हुई। तो आज हम बात कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी की, लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी की पार्टी जीत चुकी है, पुष्कर सिंह धामी खुद मुख्यमंत्री बनने जा रही है, तो क्या अब ऐसे में वो बातें करना हम बंद कर दें जो न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार मुहिम चला रहा था। न्यूज वर्ल्ड इंडिया का कैंपेन आज भी जारी है और न्यूज वर्ल्ड इंडिया आज भी कह रहा है कि आखिर भर्ती का क्या होगा, आखिर बेरोजगारों का क्या होगा, और बेरोजगारों की जो लिस्ट हम दिखा रहे हैं, हम चाहते हैं कि सरकार रोजगार जिनको दिया है, जिनको रोजगार देने की बात करती है, उनकी लिस्ट नाम और नंबर के साथ, आज भी ये सवाल मौजूद है जिसका जवाब हम आज भी चाहते हैं। इसके साथ ही साथ आज हम बात करेंगे कि आखिर पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनौतियां क्या खड़ी होने वाली हैं, क्या क्या उनके सामने चुनौतियां रहने वाली हैं। इससे इतर एक और सवाल है जो जन्म ले रहा है, वो ये है कि जो कैबिनेट होगी अब पुष्कर सिंह धामी की वो किस तरह की नजर आएगी, कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे नजर आएंगे। इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे, इन सभी बातों पर आज बात करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ संजीव वर्मा मौजूद होंगे बीजेपी की तरफ से जो अपना पक्ष रखेंगे, और सुभाष गौड़ हमारे स्टेट हेड मौजूद रहेंगे जो बेहतरी के साथ और शानदार तरीके से इन सभी सवालों के जवाबों को दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले संजीव वर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, और सुभाष गौड़ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। सुभाष जी, आज जो कार्यक्रम की संरचना है वो दरअसल इस हिसाब से की है ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो आज जान सके, क्योंकि सियासत की सबसे बड़ी जो खबर है सियासत से जुड़ी हुई वो यही है कि पुष्कर सिंह धामी हार कर भी जीत गए, ये बड़ी खबर है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और पुष्कर सिंह धामी आज सियासी रूप से एक बाजीगर बनकर उभरे हैं। लेकिन आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया जो लगातार जो कैंपेनिंग कर रहा था, लगातार पूछ रहा था कि आखिर बेरोजगारों का क्या, आखिर रोजगार जिनको देने का दावा और दंभ भरा गया, आखिर उनकी लिस्ट कहां है, नाम कहां है, नंबर कहां है, और अब पुष्कर सिंह धामी के सामने क्या क्या कुछ चुनौतियां जो हैं वो रहेंगी और उनकी कैबिनेट कुछ कैसी दिखेगी, इन सभी बातों पर बात करेंगे। लेकिन संजीव वर्मा जी आप पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुभाष जी एक क्विक रिमार्क दीजिएगा जरा। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी को 6 महीने का वक्त मिला था बैटिंग करने के लिए, उस बैटिंग में वो जरूर कामयाब रहे, लेकिन अपनी विधानसभा में वो अपना चुनाव हार गए, और यही वजह थी कि हाईकमान ने एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा किया था और उनको फिर से मुख्यमंत्री का ताज पहनाया। उसकी मुख्य वजह ये नहीं है कि उन्होंने किस तरीके के काम किए, बल्कि ये है कि उन्होंने पार्टी को 6 महीने में जो बेहतर तरीके से चलाया, पार्टी के जो एकजुट करने की कोशिश की, और जिस तरीके से पिछले 6 महीनों में उन्होंने एक बेहतर प्रदर्शन करके प्रचंड बहुमत के साथ फिर उत्तराखंड में सभी विधायकों को विधानसभा तक पहुंचाया है,
तो ये एक बड़ी वजह थी कि पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा करके उनको फिर से मुख्यमंत्री का ताज पहनाया गया। लेकिन अब चुनौतियां यही खत्म नहीं होती, चुनौती पहले पुष्कर सिंह धामी के पास ये थी कि कम समय है और कम समय में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना है। हालांकि वो बेहतर प्रदर्शन जरूर उन्होंने किया, विधानसभा में 57 विधायकों को उन्होंने पहुंचाया, लेकिन अब जो चुनौतियां होंगी वो बड़ी होंगी, क्योंकि समय बड़ा होगा, सब कुछ उनके हाथ में होगा, यानी कि उनके पास पूरे 5 साल हैं प्रदेश के विकास करने के लिए, प्रदेश में बेहतर काम करने के लिए, और जिन चीजों को लेकर प्रदेश में लगातार विवाद रहा है, फिर या यूं कहा जा सकता है नाराजगी प्रदेश की रही है, उन सभी चीजों को दूर करने की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है रोजगार देना, क्योंकि उत्तराखंड में रोजगार की बहुत कमी है और यही वजह है कि पहाड़ों से लगातार जो लोग हैं वो पलायन कर लेते हैं और मैदान की तरफ जाते हैं, और खासतौर से उत्तराखंड को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर, ऐसी जगह काम करने के लिए पहुंचते हैं, और यही वजह है कि पहाड़ों से लगातार पलायन होते हैं और गाँव के गाँव खाली होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो चीजें हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, दोनों पहाड़ के काम नहीं आता, तो उन चीजों को सबसे पहले पहाड़ में विकसित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी ये कहा जा सकता है भूमिका निभाने की जरूरत है, जिस पर पुष्कर सिंह धामी को सबसे पहले काम करना होगा। बिल्कुल, आप पर वापस लौटेंगे और बहुत व्यापक चर्चा रखेंगे ताकि दर्शक भी इसको अच्छे से समझ सके। संजीव वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। संजीव वर्मा जी, एक बहुत मौजूद सवाल है वो आपसे पूछूंगा, जो न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार पूछ रहा है उसको पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम वो चीजें जानना चाहेंगे ताकि दर्शक समझ सके कि वो 6 से 7 महीने के बीच वो कौन सा जादू था, वो कौन सा मैजिक था पॉलिटिकल कि पुष्कर सिंह धामी खुद तो नहीं जीत सके। हालांकि इसके पीछे कई कई तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन पार्टी एक अच्छे मार्जिन के साथ जीत गई, तो पार्टी जीती, पुष्कर सिंह धामी हालांकि नहीं जीते थे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी फिर भी जीत गए, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि अब क्योंकि उपचुनाव कहीं ना कहीं होंगे, वो किस तरह से होंगे, कहां होंगे, क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं, वो 6 से 7 महीने के बीच क्या कुछ ऐसा कर दिखाया पुष्कर सिंह धामी ने कि एक बार फिर पार्टी आलाकमान ने उनके नाम पर ही मोहर लगाई है। बल्लेबाजी करते हुए छक्के पे छक्का उन्होंने लगाया और अपने कामों के माध्यम से पुनः भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटों के एक प्रचंड बहुमत के साथ पुनर्सत्ता में वापसी कराने का, जो मैं सोचता हूँ पूरा का पूरा श्रेय हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है। जिस प्रकार से उन्होंने बहुत थोड़े समय में 24,000 भर्तियां निकाली है, उन भर्तियों के ऊपर वो सभी भर्तियां प्रोसेस में है, काफी सारी भर्तियों पर परीक्षाएं भी हो चुकी हैं और उनका जो भी सर, लेकिन आजकल देखते हैं कि परीक्षा हो जाती है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाता है तो कोई गड़बड़ झाला हो जाता है, ये भी एक चीज है। लेकिन सर देखिए थोड़ा धैर्य रखिएगा, परीक्षाएं हो गई, कल भी सरकार हमारी थी, आज भी सरकार हमारी है, कल भी सरकार हमारी होगी, और अब किसी प्रकार का कोई न व्यवधान आने वाला है, और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि जो रोजगार वाला एक आपने इशू उठाया, मैं सोचता हूँ रोजगार वाले इशू को हमारी सरकार टॉप प्रायोरिटी से लेने वाली है, और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त बिल्डअप उत्तराखंड में हुआ, जो डबल इंजन सरकार का एक जबरदस्त मैं सोचता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने देखा होगा एक जबरदस्त ताना बाना जो बना गया है, मैं सोचता हूँ वो अनवरत जारी रहने वाला है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक विशेष कृपा उत्तराखंड राज्य पे सदा सदा से रही है, और वो उत्तराखंड राज्य के लिए जिस प्रकार उन्होंने 1,00,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज केंद्र पोषित उत्तराखंड में चल रही है, उनमें चाहे ऑल वेदर रोड हो, कंट्रैक्ट रेल परियोजना, ठीक है, इन विकास कार्यों पर आएंगे, विकास कार्यों पर भी आएंगे, पूरा समझेंगे। लेकिन संजीव जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि सरकार जो हमारी थी वो कल भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही आपने बात कही कि रोजगार का जो इशू है उस पर हम काम करेंगे, मतलब आपका कहना है कि बेरोजगार कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हमारी सरकार ने रोजगार
हथियार देने को के ऊपर जो काम करने का एक विषय आपने रखा, उस पर सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। हमारी सरकार ने 24,000 सर, आपकी सरकार गंभीरता से काम करती रहेगी, लेकिन बेरोजगारों के खातों में सैलरी नहीं आएगी। इससे रोजगार चाहिए सर, गंभीरता से काम नहीं सर, चाहिए। सर सर मेरी बात सुनिएगा, आप अगर विगत का भी एक आंकड़े उठा के देखेंगे तो स्वरोजगार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 8 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन किया, 8 लाख से अधिक बेरोजगारों को रोजगार दिया और 24,000 नौकरियां सरकारी नौकरियां। ठीक है, आप जब ये बात कह रहे हैं तो हमारे स्टेट हेड सुभाष गौड़ मुस्कुरा रहे हैं। नहीं सर, मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराइए कि आप उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड को हम विजन 2025 के माध्यम से अगले 2025 तक उत्तराखंड का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में हम लोग आगे सर आप सर्वश्रेष्ठ राज्य तो बनाएंगे, लेकिन सुभाष कह रहे हैं कि पलायन जो है वो परस्पर जारी है, पलायन नहीं रुका है। आप जब तक इसको सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे तब तक ऐसा ना हो कि यहाँ का युवा कहीं दिल्ली में जाकर बस जाए पूरा। सर देखिए, पलायन के दो कारण होते हैं, एक पलायन होता है विकासवादी, एक पलायन होता है कि हमारे पास रोजगार नहीं है इसलिए आदमी दूसरी जगह जा रहा है। यदि विकास जो विकासवादी पलायन है वो केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि तमाम, आप देश में हो विदेश हो आप किसी भी जगह देखें, आपको कहीं 10,000 रुपए सैलरी मिल रही है और एक जगह आपको मिलने वाली है 50,000, तो आप ये विकासवादी पलायन हुआ। और इस विकासवादी पलायन के लिए यदि एक आदमी कहीं देश जाता है या विदेश जाता है तो मैं सोचता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, लेकिन यदि आप कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में यदि रोजगार नहीं मिल रहा और इस वजह से युवाओं को दूसरे शहरों में या दूसरे अन्यत्र राज्यों में जाना पड़ता है, तो उसके लिए सरकार बहुत गंभीरता से चिंतन मनन कर रही है, उसके ऊपर काम कर रही है। स्वरोजगार के विभिन्न माध्यम हम ढूंढ रहे हैं और केवल ढूंढ ही नहीं रहे, हमने उनके ऊपर काम करना चालू कर दिया है। ठीक है, सरकार गंभीर है। जैसे अभी सोलर के ऊपर हमारी सरकारें बहुत गंभीरता से काम कर रही है, जैविक खेती के ऊपर बहुत गंभीरता से काम कर रही है और होम स्टे के ऊपर बहुत गंभीरता से काम हो रहा है और साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अन्य कई सारे पर्यटन के हमने एक एक नए माध्यम और जो ठीक है सर, ये ठीक है सर, ये आपकी ये बीजेपी की बुक छपती है उसमें पढ़ लूंगा सर, उसमें पढ़ लूंगा पूरा। ठीक है सर, सर मैं आपको धरातल पे जो हमने काम किए हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं आप तो सर चुनाव जीत गए, अब थोड़ा सा मैं आपको दूसरी पार्टी की तरह खाली कपोल कल्पित एक नारे नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, जो हमने काम किए हैं धरातल पे मैं उसका मात्र उल्लेख कर रहा हूँ और यही काम हमारे जो धाकड़ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं अनवरत जारी रखने वाले हैं और जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष आशीर्वाद उत्तराखंड। ठीक है सर, अनवरत जारी रहेंगे। ठीक है सर, सरकार के माध्यम से उत्तराखंड राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वायदा भी करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आश्वस्त भी करता हूँ। ठीक है संजीव जी, आपने कहा कि जो विकास के कार्य हैं वो अनवरत जारी रहेंगे और हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आपसे वादा करते हैं कि हम भी इस पर चेक करते रहेंगे कि विकास के कार्य अनवरत जारी है कि नहीं, हम भी लगातार कवर करते रहेंगे। सुभाष गौड़ साहब मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सुभाष गौड़ उत्तराखंड की सियासत को बड़ी करीब से समझते हैं, बड़ी करीब से जानते हैं। सुभाष जी, जैसा कि अभी संजीव जी ने कहा कि दरअसल जो पलायन है उसके कई तरीके होते हैं, विकासवादी पलायन होता है और भी कई अलग अलग जो अलग अलग तरीके के कारण होते हैं। ऐसा ही एक है कि संभावनाओं की खोज में, उनका कहने का जो लबुलवाब था वो ये था कि संभावनाओं की खोज में अगर कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। हमारा ये कहना है कि आप उस संभावना को उत्तराखंड में ही क्यों नहीं ले आते। लेकिन उसके साथ ही संजीव जी ने कहा कि अगर यहां पर किसी को 10,000 मिल रहे हैं और कहीं बाहर उसको 50,000 मिल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी जो व्यू हमने देखा है और हमने पाया भी है, सुभाष जी आप भी इसको समझते हैं, कि दरअसल उत्तराखंड में 0 मिल रहा था
और दिल्ली में 5,000 10,000 12,000 मिल रहा है, इसलिए ज्यादा पलायन हो गया है। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। आप किस बात में मेरे को आपत्ति है? सर 50,000 में हर कोई काम कहाँ कर रहा है दिल्ली में सर, 10-10 हजार में, 5-5 हजार में भी लोग यहाँ हैं सर, और वो भी पलायन है, जबकि उत्तराखंड में इतना तो विकास किया जा सकता था, इतनी संभावनाएं तो बनाई जा सकती थी। तो ये तो बिल्कुल बेहतर सी बात है, साफ बात है कि संभावनाओं की कोई ऐसी खोज नहीं थी जिसको लेकर दिल्ली आना पड़ा युवा। पिछले 5 सालों में स्रोत माध्यम को एक जबरदस्त काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो अपने आप में एक उल्लेखनीय ऐतिहासिक है। बिल्कुल ऐतिहासिक है सर। मैं संजीव जी बस थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करके संजीव जी कहूंगा कि ठीक है, अब मैं समझ गया आपने जो कहा। सुभाष का मैं टेक सुनना चाहता था, आप भी सुन लीजिए फिर आप जवाब दे दीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे संजीव जी ने कहा कि शायद वो लोग अपनी ज्यादा की इच्छा को लेकर स्मार्ट सिटी में जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। उत्तराखंड के पहाड़ों की स्थिति बेहद खराब है, उसकी मुख्य वजह है कि रोजगार तो एक बाद की बात आती है कि बाद में जब बड़े हो जाएंगे, जब पढ़ लिख लेंगे, उसके बाद रोजगार की तलाश में कहीं बाहर जाएंगे, किसी अच्छी कंपनीज में जाएंगे, वो बाहर की बात है। लेकिन शुरुआती मूलभूत सुविधाएं पहाड़ों में नहीं है, और यही वजह है कि पलायन बहुत तेजी से हो रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं पहाड़ों में नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पहाड़ों में नहीं है, रोजगार पहाड़ों में नहीं है, और ये तमाम चीजें पहाड़ों में ना होने के चलते लोग पलायन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति, ये कहा जा सकता है जैसे संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि बेहतर रोजगार यदि उन्हें किसी स्मार्ट सिटी में मिलता है तो वो जाते हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है वो जाएं, लेकिन वो अपने पूरे परिवार को सिटी में ले जाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है, उनके बच्चे वहां पढ़ लिख नहीं सकते क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। तो इन तमाम चीजें जो मूलभूत सुविधाएं एक आम जनमानस के लिए चाहिए होती है, पहाड़ के लोगों के लिए चाहिए होती है, वो चीजें उन पहाड़ों में नहीं है, और यही वजह है कि लोग पलायन करते हैं। हालांकि ये जरूर है कि वहां ना केवल ये कहा जा रहा है कि कम वेतन मिलता है, बल्कि स्थिति ऐसी है कि पहाड़ों में तो रोजगारी नहीं है, जब रोजगारी नहीं है तो लोगों को बाहर का रास्ता देखना ही पड़ता है, और यही वजह है कि लगातार जो पहाड़ है वो खाली होते हुए नजर आ रहे हैं। संजीव जी, संजीव जी इसको नोट कर लीजिएगा, सरकार 5 सालों में ऐसे कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है कि लोग पहाड़ों में ही ठहरे, पहाड़ों में ही रोजगार करें, या पहाड़ों में ही उनको फिर से वैसी सुविधाएं मिल पाए जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। संजीव जी मैं कह रहा था कि ये जो सुभाष जी जो बातें बता रहे हैं इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चैलेंजेस क्या होने वाले हैं ये दरअसल आपको हम बता रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। और संजीव जी अब आते हैं एक बहुत अहम सवाल पर, बड़ा मौजू सवाल है और बड़ा ईमानदारी के साथ इस पर जवाब दीजिएगा कि शपथ ग्रहण होता है, शपथ ग्रहण समारोह होगा, तैयारियां होंगी, मेहमान होंगे, इनविटेशन आप देंगे, अभी कौन कौन आएगा, किन किन नामों पर चर्चा होगी, एक जब मुख्यमंत्री पद की शपथ होती है तो ये भी चीज़ बड़ा लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि इस मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट है, जो इनकी जो मंत्री दल होगा, मंत्रिमंडल होगा, वो दरअसल कैसा होगा, ये सब नामों पर चर्चा होती है। इन सब चीज़ों के लिए एक दिन निर्धारित होता है, एक जगह निर्धारित होती है। सवाल है यहाँ पर जगह कौन सी होगी, गैरसैंण होगी या देहरादून, ये बता। संभावित नहीं, आप थोड़ा बहुत समझते होंगे, गैरसैंण होगी। या विंटर समर फॉर्मूला चलेगा सर? 23 तारीख को शायद अभी इस लगभग तय हुआ नहीं है, लेकिन संभावित स्थान इसका परेड ग्राउंड होगा। और इस बार अवसर इस प्रकार का है जिसमें राजभवन से निकलकर पहली बार एक सार्वजनिक स्थान पर एक भव्य और दिव्य आयोजन शपथ ग्रहण समारोह का होने जा रहा है, जिसमें समाज के सभी वर्गों का संजीव जी समाज के कौन से वर्ग आएंगे, शपथ ग्रहण में क्या कुछ कहा जाएगा, शपथ ग्रहण में कौन कौन मंत्री होंगे, शपथ ग्रहण में क्या स्पीच रहेगी, शपथ ग्रहण में कौन कौन मेहमान विपक्ष के रूप में भी वहां देखने को मिलेंगे, ये तमाम चीजें हम दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे, हर चीज दिखाएंगे,
और इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन आज मेरा सवाल है कि जगह बता दीजिए सर। सर देखिए संजीव जी, आप इतना कंफ्यूजन में है ही नहीं और कभी रहे ही नहीं, लेकिन आज जो आप कंफ्यूजन की जो एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं, आप क्लियर बता दीजिए सर कि गैरसैंण होगा कि नहीं होगा, बताइए। इस पर चर्चा बहुत होती है और आप भी खूब सर चर्चा करते हैं सर, ताल ठोक कर आप बोलते हैं, तो आज बोलिए सर। वैसे इसका स्थान सब राउंड होने और कैबिनेट में हमारे अनुभवी चेहरे काफी अनुभवी चेहरे इसमें शामिल होंगे और मैं सोचता हूँ सभी वर्ग का कैबिनेट की जो रिफॉर्म कैबिनेट जो बनेगी उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है सुभाष जी। सुभाष जी, मैंने संजीव जी से जब पूछा कि ठीक है कौन कौन होंगे कौन कौन नहीं होंगे, इनवाइटी कौन कौन होंगे, किन किन को इनविटेशन दिया जाएगा, मंत्री पद की कौन शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री का तो नाम हालांकि हमारे सामने ही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जगह के बारे में पूछा तो संजीव जी जो कि आज तक कंफ्यूज नहीं हुए, आज भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति में आ गए। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जगह तो संजीव जी आ रहा हूं, संजीव जी की राजधानी देहरादून के परेड मैदान में तमाम जो कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री यानी कि नई सरकार के गठन के जो तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिनके पास होगी वो शपथ लेंगे और एक विशाल तो एक बड़े स्तर पर ये शपथ कार्यक्रम कराया जाएगा। हालांकि शपथ में पीएम नरेंद्र मोदी के आने की संभावनाएं भी जता रही हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के आने की संभावनाएं भी जताई जा रही है और तमाम उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की संभावनाएं जताई जा रही हैं जो जिनकी सरकार जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, यानी कि एक भव्य कार्यक्रम कराने की तैयारी बीजेपी यहां करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि गैरसैंण और राजधानी देहरादून में से कौन सी राजधानी यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में ये शपथ समारोह होगा या फिर जो अस्थाई राजधानी है उसमें ये समारोह किया जाएगा, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राजधानी देहरादून के परेड मैदान में कार्यक्रम किया जाएगा और भव्य रूप का कार्यक्रम किया जाएगा। इस तरीके की बीजेपी की तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी देखा संजीव जी, जो सच होता है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, उसको बताने के लिए एक ही सांस में देखिए सुभाष जी बता गए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि कहाँ होना है, तैयारियां कहाँ है, कहाँ होना है, क्या क्या होना है। सर मेरी बात सुनिए, मैं और इसका मेरा जो कहने का मतलब है वो आप भी जानते हैं देहरादून में, मैं भी जानता हूँ देहरादून में होगा शपथ ग्रहण, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो आप राजधानी बनाने की बात करते हैं और राजधानी बनाने को लेकर जो तमाम मसले हैं, जो सवालात खड़े होते हैं, उनका कोई बेस है या नहीं है? सर पहले तो मैं आपकी एक बात का जवाब दे देता हूँ, हमारे को किसी प्रकार का कोई आपने कहा ऊहापोह की स्थिति में, ऊहापोह की स्थिति में कतई नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि परेड ग्राउंड का जो मैदान है उसमें भी कुछ कार्य चल रहे थे, तो और एक दूसरा स्थान है हमारा बन्नू स्कूल, तो एक संभावना इस तरह की चल रही थी कि बन्नू में कराएं या प्रेग्राउंड में चलाएं इस कार्यक्रम को रखा जाए, तो इसलिए मैंने कहा संभावित प्रेग्राउंड हो सकता है। अच्छा अच्छा ठीक है, बाकी किसी प्रकार की कोई इस तरह की बात नहीं है और मैं सोचता हूँ संभावित स्थान जो है हमारा प्रेग्राउंड ही। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजीव जी और सुभाष जी, आप भी जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का कार्यक्रम दरअसल इसी पर था कि पुष्कर सिंह धामी हारे मगर जीते भी सही, अब पुष्कर सिंह धामी के सर पर मुख्यमंत्री का ताज एक बार फिर सजने वाला है। पिछली बार 5 से 6, 6 से 7 महीने का समय उन्हें मिला काम करने के लिए, लेकिन इस बार उनके सामने खुला मैदान है 5 सालों का, क्या कुछ होगा ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। देखिए भारत @9 कावेंद्र चौहान के